ब्राइड फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, वन ऑफ द डायमंड ऑफ द निकोबार का। आज आप सब यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? क्यों? फर्स्ट सिटी ऑफ रायपुर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कौन? डॉक्टर मनोज सर। फाइटो नैनो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट कौन? डॉक्टर मनोज सर। हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर कौन? डॉक्टर मनोज सर। होलिस्टिक हीलर डॉक्टर मनोज सर। बिजनेस कोच डॉक्टर मनोज सर। अगर लाइफ को शिफ्ट किया जा सकता है, अगर लाइफ को एक पॉजिटिव माइंड के साथ चलाया जा सकता है, और अगर लाइफ को डाउन टू लाइफ लेके जा सकता है तो सिर्फ एंड सिर्फ डॉक्टर मनोज सर की गाइडेंस से। आज मैंने अपने और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलती देखी है। कैसे? मोटिवेशन? क्या सबसे अच्छा मोटिवेशन कोई दे सकता है? नहीं। क्या लोगों को सबसे बेहतर कोई ठीक कर सकता है? नहीं। No. So, I welcome all of you and I welcome Dr. Manoj sir here in Rayapur. और गुड इवनिंग लोग अंग्रेजी में, अंग्रेजी आती नहीं है तो मैं थोड़ा सा वीक हूँ अंग्रेजी में। आप ऐसे नए कौन है जो फर्स्ट टाइम मीटिंग बैठ रहे हैं? नेटवर्क इंडस्ट्री में नए कितने लोग हैं? एड सेलिंग इंडस्ट्री में नए लोग कितने हैं? आप नए। बाकी समय पहले नेटवर्क मार्केटिंग काम किया क्या? आराम से। मैं विपरीत ग्रह से नहीं आया हूँ, इसी ग्रह पर पैदा हुआ। देखिए, आज जिस टॉपिक की बात होने वाली है कि आप लोगों ने सुना है, मैं 97 में फर्स्ट ईपी लेने में जाता और 97 से अब तक दुनिया के अलग अलग लीडर से मैं तकरीबन 200 से ज़्यादा ईपी लिया हूँ, और मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 3 डेज के होते थे या 2 डेज 1 नाइट होता था या 3 डेज 1 नाइट होता था। इसका महत्व क्या है? बेसिकली यहाँ कोई हम सब लोग जो हैं यहाँ पे बॉस तो हैं। राइट सेलिंग इंडस्ट्री बेसिकली है क्या? वो लोगों का एक मिथ है हिंदुस्तान में स्पेशली, और खासकर जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो हायर क्लास, उसको पता है राइट सेलिंग क्या है। जो एक्चुअल बिजनेसमैन है 5% जो इंडिया का, उन लोगों को मालूम है कि राइट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है और राइट सेलिंग इंडस्ट्री पावर्स क्या है, और वो लोग राइट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। बट एक जो मध्यम वर्ग है उसको मिडिल क्लास का, जो मिडिल क्लास होते हैं, जो 1 लाख से 5 लाख रुपये महीना कमाने वाले लोग हैं, ये मिडिल क्लास में आते हैं, और जो तकरीबन 1 लाख से 5 लाख के बीच में महीना कमा रहे हैं वो लोग लोअर मिडिल क्लास में आज की डेट में, और 5 to 10 लाख पर मंथ किसी घर में आ रहा है तो अपने आप को रिच समझते हैं, वो रिच क्लास होता है, दैट इज एक्चुअल मिडिल क्लास। और 10-15 लाख से ऊपर 50 लाख रुपये महीना अगर आदमी कमाता है, दे आर द हायर मिडिल क्लास। यही चीज़ अगर हम आज से 50 साल पहले 60 साल पहले जाते हैं या फिर आज से 10 साल पहले जाते हैं तो डिफरेंट थी। महंगाई के अनुसार और इनकम के सोर्सेज के अनुसार और जिस तेज़ी से दुनिया बढ़ रही है, लोग जितने भी आपको सफलता के, संपन्नता के, समृद्धि के या सुख साधन जो आप आज देख रहे हैं, 10 साल पीछे जाइए, 20 साल पीछे जाइए, उससे 30 साल पीछे जाइए, आप उनमें चेंजेस पाएंगे। लोगों ने अपने खर्चे खुद बढ़ाए। जो लोग कहते अरे हम तो 100 रुपये में गुजारा कर लेते थे, देयर वाज अ टाइम जब 70s में लोग 100 रुपीज किसी घर की इनकम थी, एक आदमी 100 रुपये महीना कमाता था, वो घर को 70 चलाता था क्योंकि उसने देसी की 1.5 रुपये की लगवा दी, और सोना जो है वो 120 से 130 रुपये तोला होता है। आज सोना 70,000 रुपये तोला है,
आज घी लेने जाओ 2600 रुपये 3500 रुपये किलो है, एक्चुअल घी भी लेने जाओ, मैं आम मार्केट में जो बिकता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। तो इन्फ्लेशन रेट उस हिसाब से देखें, जहाँ 120 रुपये 200 रुपये तक का तोला सोना होता था, आज 70,000 रुपये तोला है, तो कितना गुना बढ़ा। उस हिसाब से इनकम सोर्सेज क्या बढ़े आपके। फिर इस देश में ट्रेंड आया 1970s के अंदर, जीवन 89 में कुछ मनी लोकेशन या नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज होनी शुरू हुई, या पैसा दो हम मार्केट में लगाएंगे आप इतने रुपये ब्याज मिलेगा हर महीने, एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने शुरुआत की। इसमें एक नाम होता था जिसको पल्स बोलते लोग, PLS बोलते थे लोग देसी भाषा में। पल्स जो कंपनी थी वो कभी 70s में इंडिया में आई थी और नॉन फाइनेंस की बैंकिंग सेक्टर कंपनी थी, जिसने 70s में बहुत बड़ा व्यापार किया इस देश में, और लोगों को ये रास्ता बता था कि बैंकिंग सेक्टर से अलग भी आप जो है प्राइवेट सेक्टर्स में आके पैसा कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जिस टाइम इंडिया का स्टॉक मार्केट खड़ा होना शुरू होता, जो आज आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, ये सब चीज़ें उस टाइम पर शुरुआती दौर में थी इस देश में, और उस टाइम पर लोग जो हैं इस सेक्टर में आना शुरू हुए। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई नई चीज़ नहीं, नई बुला नहीं है, पर लोगों ने क्या है कि अपने माइंड सेट के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार उसको यूज़ किया, और हर चीज़ की बैड डिमांड होती है। जब भी कोई चीज़ किसी देश में अगर शुरुआत होती है और वो लोग काम करना शुरू करते हैं, बैड डिमांड पहले आता है। लाइक अगर ट्रेन सर्विस की बात करें, हादसे होते तो नेगेटिव है, हाँ इतने लोग मर जाएंगे ट्रेन में, हवाई जहाज़ अगर उड़ रहा है फिर वो क्रैश हो गया तो नेगेटिव है, अदरवाइज हवाई जहाज से फास्ट में इनको यही नहीं कम्युनिकेशन। सेम पे जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, हम मोबाइल का यूज़ तो बहुत अच्छा है और मिस यूज कितना है, वो भी पहुँच गए, बच्चे बिगड़ रहे हैं, अनवॉन्टेड एजुकेशन जो चाहिए नहीं वो फिजूल की चीज़ें सीख रहे हैं, या और फालतू की बातें देख रहे हैं, टाइम वेस्टेज हो रहा है, रिलेशन ख़त्म हो रहे हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा कि लाइफ में आप क्या कर रहे हैं। मगर अगर वही टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो आज गूगल बाबा या और सारी साइट्स हैं, आप वो कुछ भी चाहिए घर बैठे आपको नॉलेज मिलती है, दैट इज द प्रोसेस। इन द सेम वे MLM जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसके भी अलग अलग रूप हैं। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में उभर रही थी, आई रिमेंबर 1997 में जब एम्बे वालों ने यह कदम रखा, एम्बे 1957 से स्टार्ट हुआ एक वेल प्रूवन सक्सेस सिस्टम, और वेल प्रूवन सक्सेस सिस्टम होते हुए उन्हें पूरे वर्ल्ड को में आज वो काम करें, आज पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 171 कंट्रीज में एम्बे आज काम कर रही है। अगर एम्बे के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, लोग जब मैंने 97 शुरुआत की है एज ए पोस्टर स्पॉन्सर होता है, जब विदेशी आके किसी देश को स्पॉन्सर करते हैं, तो ऑफिशियली एम्बे आया नहीं था 1997 में ऑफिशियल जब एम्बे आया, उससे पहले उन कंट्रीज़ के लोग जो NRIs थे वो या वहाँ के सिटीजन्स यहाँ आके लोगों को प्लान दिखाते थे। दिल्ली में मुझे याद है सुशील पसंदा फर्स्ट इंडियन डायमंड थे, वो एक कॉमनी वैन लेते थे उनकी वाइफ थी रश्मि, और दिल्ली में प्लांट प्लेस पे वो अब जहाँ आप देखे थे प्लांट प्लेस जाते हैं, शाम को भीड़ खड़ी होती है, कॉमनी वैन में बहुत सारे MIग्राम्स मैगजीन्स होती थी और कैसेट्स आते थे उसके टेप्स होते थे, वो लेके लोगों को सेल करते थे, इट इज़ 200 रुपीज़ और 1 रुपीज़ इन चेंज हो गए, और वहाँ से लोगों को फिर फिटिंग दूर होता है, अनजान लोगों से इंटैक्ट करते हैं। 97 में 100 रुपये की कैसेट का एक मीनिंग होता है, क्योंकि कलर की गवर्नमेंट जो कलर होता था LDC की जो सैलरी थी दैट वाज 900 रुपीज़, और 100 रुपये में टेप देते थे और दिन में 5 और 6 टेप वो मूव करके जाते थे, और विद इन 3 मंथ्स उन्होंने हिंदुस्तान में एक क्रांति टाइप आ दी। उन मियाँ भी फिर मिस्टर वराइट जो थे, डॉक्टर वराइट जो है, जब आप चंडीगढ़ साइड जाने मौका मिले तो चंडीगढ़ पंचकुला के पास एक राइस फार्म हाउस का 100 एकड़ में, वो इंडिया के फर्स्ट डायमंड का है जो अमेरिका में था और NRI था, और उसने पहली बार ये दिखा था कि नेटवर्क इंडस्ट्री में इतना पैसा कमा सकता है कि आप हिंदुस्तान में जो चाहो ले सकते हो। लैम्बोर्गिनी पहली वो लेके आए थे, वो नेटवर्क इंडस्ट्री से होके इंडियंस को ये दिखा था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कमा के लैम्बोर्गिनी इंडिया ले सकता हूँ। जब पंजाब में लोग मर्सिडीज या और ऑडी वगैरह या BMW के बारे में भी ये सोचते थे, अरे यार उसके पास मर्सिडीज है, उस टाइम पे वो आदमी लैम्बोर्गिनी ले गया और वो उसकी एमबे की इनकम। तो लोगों में एक जोश आया नॉर्थ इंडियंस में, या तो महाराष्ट्र के लोग थे मुंबई से आए थे, उन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उन लोगों को लगा कि हमें कुछ करना पड़ेगा और ये प्लांट पे ज्वाइन करना पड़ेगा। 3900 रुपये से इंडिया में एमबे ने बिजनेस स्टार्ट किया,
मेंबरशिप फॉर्म आता था 4500 रुपये को 2600-2700 रुपये प्रोडक्ट देते, उसमें भी वो प्रोडक्ट होते जो लोगों के घरों में स्कूटर नहीं था वो कार वॉश बेचते, कांच की खिड़कियाँ नहीं होती थी, एक सी स्प्रे आता था, जूम आता था, वो देते थे कि आप प्लास्टिक कुर्सी साफ करें, प्लास्टिक कुर्सियाँ नहीं होती थी जो आज ये प्लास्टिक कुर्सियाँ, ये चलन नहीं था, लकड़ी कुर्सियाँ थी कैन वाली या फिर लोहे की कैन कुर्सियाँ होती थी उसमें लोग करते थे, यहाँ इसी को साफ कर लेते, लकड़ी की खिड़कियाँ होती थी, लकड़ी के दरवाजे थे, कोई ग्लास हाउस थे नहीं, ग्लास विंडोज आप देखते हैं फैशन का जो आप शीशे देखते हैं ये शीशे नहीं होते थे, जब कार तो गिने चुने घरों में होती थी, आज जितनी मोटरसाइकिल है उसे इतना कार वॉश हम बेचते थे, और बस आज ये कहा जाए कि आज जितनी कार थी मोटरसाइकिल नहीं थी, टू व्हीलर से नहीं होते थे क्योंकि मोटरसाइकिल बाजार चेतक भी बुक करके मिलता था, क्यों भैया सही ना, बाजार चेतक बुक होकर आता था कि नहीं आता था, रियल बुक होकर मिलता था, 1.5 महीने 2 महीने बाद डिलीवरी होती थी, इवन कई बार 3-3 महीने लगते थे, राजदूत एक मोटरसाइकिल जो कई बार मिल जाती थी, अदरवाइज वो भी नहीं मिलती थी, अब राजदूत कितने लोगों ने देखे मुझे नहीं मालूम, और जो यसदी आज आप कह रहे हो उस टाइम यसदी वाज़ ए ब्रांड, जावर यसदी ब्रांड होते थे और वो मोटरसाइकिल भी इतनी आवाज़ करने वाली थी कि दूर तक डॉक्टरों को दिखाई देता था, और उस टाइम पे लोगों ने नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, तो नेटवर्क इंडस्ट्री पर कोई पुरानी बात नहीं है, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको आगे बढ़ने से पहले पहले आपको ये क्लियर करना पड़े आप कर क्या रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं, क्यों ये जरूरी है। अभी मैं मेयर कह रही थी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मोटिवेशन दिस दिस ब्ला ब्ला, ये सब है क्या, इसलिए हाँ हम पढ़े थे, देखो मनुष्य नाम का जो प्राणी है वो बड़ा विचित्र है, उसको एक तो तारीफ का भूखा होता है, दूसरा खुद से ज़्यादा समझदार किसी दूसरे से, आज छोटे बच्चे को बोलो तो वो भी कह रहे थे मुझे सब मालूम, किसे पूछ लो उसका भी कहता मुझे सब मालूम है, यहाँ बाहर एक रैली लगाई हुई आती है, एक थोड़ी दूर पे एक मॉल वाल का ऑनर है, हो सकता है एक बैंकेट हॉल का ऑनर होगा, हो सकता है एक 5-स्टार होटल का ऑनर होगा, सारे आदमियों के पास आप जब जाओगे तो ये सीधा एक बात देखें, हाँ मुझे मालूम है नो द बिजनेस, हर व्यापारी कुछ भी बेचने वाला आदमी ये समझता है मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूँ, और मेरे ज्यादा समझता है जब वो घर में घुसता है तो बीवी है बच्चे मुझे पापा ऐसे कर लो वो कहेगी जी ऐसे करो, हाँ मुझे ऐसे मालूम मुझे पता मैं इतने दिन से बिजनेस कर रहा हूँ, राइट यहाँ तक आएगी, बट मुझे आप एक बात कही जब वो रेडी वाला आदमी जब सारे बिजनेस समझता है तो 5-स्टार का ऑनर क्यों नहीं, उसके पास फरारी क्यों नहीं, उसके पास हम जेट क्यों नहीं है, करो समझदार को 4 कपड़े की दुकान चलाने वाला आदमी अगर इतना मैच्योर बिजनेसमैन है तो अपने बेटों को अमेरिका इंग्लैंड में बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक क्यों नहीं बनाता, उसका BSE इंडेक्स में नाम क्यों नहीं है, किसी ब्लू चिप कंपनी का ऑनर क्यों नहीं है वो, इसका मतलब समवेयर इज लैकिंग, कहीं ना कहीं कमी है उसमें, उसको नॉलेज नहीं है, पर दूसरा समझाए तो समझना नहीं चाहिए, बेसिक प्रॉब्लम। मैं आज से बात करता हूँ आपको 100 साल पहले या 1947 से पहले की आप बात करते हैं, उससे ज़्यादा पीछे भी आएंगे, आप कहते हैं व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग में और ये तो ट्रेडिशनल बिजनेस है, आपको ये समझने की जरूरत दोनों में डिफरेंस है, ट्रेडिशनल बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग से बात, यहाँ कितने लोग हैं जो बिजनेस फील्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे घर में दुकान है और कोई व्यापार है कोई एजेंसी है, कितने लोग या पर्सनल बिजनेस से बोलते हैं, आप सबके पास मुझे ये बताइए पर्सनल बिजनेस से पहली चीज क्या है, आप कितना एरिया कवर करते हैं, रायपुर में है जसपति भी आप वहाँ पर, आप ट्रेडिशनल बिजनेस में कितना एरिया कवर करने के लिए गए, एक कॉलोनी अगर यहाँ रेडी वाला है तो इसी एरिया के लोग, दुकान वाला पर चुनगी एक पर्टिकुलर कॉलोनी, और अगर मान लिया कोई होटलियर है उससे बाहर से लोग आए होटल भी रहे, रेस्टोरेंट वाला कितने लोग बैठ गए मैक्सिमम रायपुर, ऐसा तो नहीं है कि वो रायपुर से बाहर जाए खाना खिलाएगा लोगों को, सब्जी वाला हो सब्जी मंडी बैठा उसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों को जो है कवर करेगा, दूसरा उसका टर्नओवर क्या होगा, आप लोग आगे वो कितना एरिया कवर करेगा और कितना टर्नओवर आएगा। अब बात आती है कि जितना भी आप बड़ा एरिया में होंगे आपका जो कस्टमर स्कोर है या आपका कस्टमर जो क्वाइटेज है कस्टमर काउंटिंग है वो कितनी होगी,
कितनी होगी, आपकी कितने लोगों को कवर करेंगे, उस पर डिपेंड है आपका टर्नओवर क्या होगा। और बिजनेस में मुनाफा या घाटा किससे होता है, आपके टर्नओवर से होता है। अगर किसी आदमी को करोड़ों रुपये कपड़े दुकान से कमाने हैं तो इसका मतलब उसको एक अरब का या कुछ सौ करोड़ का कुछ टर्नओवर करना पड़ेगा, 50-60 करोड़ 20 करोड़ का टर्नओवर तभी करोड़ों कमाए। बट उसके लिए क्लाइंटेज चाहिए क्या आपको, क्लाइंटेज चाहिए कि नहीं। अब वो क्लाइंटेज अकेले एक ही एरिया से कैसे आ रहे, अगर आपका एरिया छोटा है तो बल्क एक्चुअल क्लाइंटेज कम होगी, क्लाइंटेज कम होगी तो आपका टर्नओवर कम होगा, टर्नओवर कम होगा तो आपका प्रॉफिट या लॉस का जो रेशियो है वो कम होगा। और जब ये रेशियो कम होगा तो आपका जो ड्रीम है या आपका जो गोल है अचीवमेंट का, जो अचीवमेंट आपकी है, जो आप चाहते हैं कि मैं अचीव करूँ जिंदगी में, आप चाहते हैं आप फरारी करके, आप चाहते हैं आपका 20 करोड़ का बंगला हो, या आप चाहते हैं आपके पास 1 करोड़ की कारें हों, आप चाहते हैं आपके बच्चों पे 1 करोड़ रुपया एजुकेशन में खर्च किया जाए, तो आएगा कहाँ से। इसका मतलब आपकी जो लग्जरियस लाइफ होती है या कुछ भी होता है वो आपके टोटल एसेट का 20% होता है। अमीर और कामयाब लोग या सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी हिसाब से कह रहा हूँ, इवन कई लोगों का 10% होता है उनका बिजनेस होता है, और जो जो उनका बिजनेस और प्रॉफिट लेवल बढ़ता जाएगा वो 0.5% तक आ जाता है। अगर अंबानी इसके अंतरिया डीलिया या क्या जो बिल्डिंग है उनके अंबानी उसको काउंट करें, उसकी को दुनिया का सबसे महंगा घर हो सकता है, बट उसका एम्पायर देखें तो उसका परसेंटेज क्या है। मतलब आदमी जितना सफल है या वार्न बफेट को देखो या किसी और को देखो, अजीत प्रेमजी को देखो, उनका जो पर्सनल पूरा एम्पायर है बिजनेस का, उसकी लंबी लग्जरी और पर्सनल लाइफ उनका असर क्या है। रतन टाटा का आज भी घर देखोगे तो घर कितना है, क्या कॉस्ट है उसकी, उनकी गाड़ी का कॉस्ट क्या है, उनकी खुद की लाइफ में लेविस लाइफ पर कितना खर्च करते हैं, वो उनका 0.01% जो कह पाए। मगर आम आदमी कहाँ होता है, आम आदमी क्या करता है, जो नॉर्मल बिजनेस में लाभ पूरा कर, जो मध्यम वर्ग है निम्न मध्यम वर्ग है, वो लोग क्या करते हैं, वो दिखावे के लिए 80% लोन पर घर लेते हैं, 90% डाउन पेमेंट मिलेगी, 4 लाख डाउन पेमेंट है कि 50 लाख का घर चाहिए। कार लेने जाते हैं इवन 0% से लेकर 10% तक डाउन पेमेंट देते हैं और उस पर 80-90% लोन पे कार उठा लाते हैं। मैं जो कड़वी सच्चाई उससे आपको अवगत कराना चाहता हूँ, अब वो कार उठाते सेम वे बच्चों की एजुकेशन, की एजुकेशन लोन आ गया, ये हो क्या रहा है इस देश में। आज से 70-80 साल पहले जाइए अमेरिका के अंदर, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की हेल्थ या किसी भी आदमी एजुकेशन में हेल्थ करती और गवर्नमेंट जो है अपने तरफ से फाइनेंस करती थी और बातें करती थी आपकी लाइफ की, जो भी ऐसे अर्निंग से कुछ हुआ यू आर एसेट टू द अमेरिकन गवर्नमेंट। वहाँ के रिफॉर्म्स बहुत बाद में हुए हैं, अदरवाइज कोई बच्चा अगर हॉस्टल पैदा माँ बाप पैसे दे के लिए तो उस बच्चे को अमेरिकन गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेती थी और वो एडॉप्शन के कारण ही नेटवर्क इंडस्ट्री वर्ल्ड में शुरुआत हुई। इसके पीछे मैं आपको कहानी बताता हूँ, लाइव एग्जाम्पल है, जिस नेटवर्क इंडस्ट्री में हम बात करें उसका जन्म भी अमेरिका में उसी पॉलिसी हेल्थ पॉलिसी हुआ कि बच्चे का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल चल रहा है और माँ बाप पे नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट जो है उसको अडॉप्ट कर लेती है, माँ बाप को उसमें कोई राइट नहीं रह जाता। एरिक नाम का बच्चा था जिम डोनन का, एरिक को स्पाइन बिफिडा नाम की बीमारी थी और जिम डोनन एक कैनोनिकल इंजीनियर था और नैन्सी डोनन उसकी माँ जो है उसकी थेरेपिस्ट थी और एरिक को पैदाइश से स्पाइन बिफिडा एक बीमारी होती है स्पाइन के अंदर, उसके बाद बच्चे का लो बेड पूरा हिस्सा मूवमेंट नहीं करता है और वो पैदाइशी बीमारी होती है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था और दोनों मियाँ भी दिन रात काम करते थे और उन्होंने हॉस्पिटल्स बचा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चला था, उनका इतना कर्ज हो गया अमेरिकन गवर्नमेंट का जो कर्ज पे नहीं कर पाए, तो नैन्सी डोनन एक माँ की ममता होती है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए मैं कुछ भी करा दूँ। एमवे उस टाइम पे रिस डिवास और वेंडल डिवास दोनों भाई थे, वो जो है एक लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर एलओसी नाम का प्रोडक्ट बनाते थे और वो बेचते थे कैश में, उन्होंने उससे कॉन्टैक्ट किया और उसे डोर टू डोर सेलिंग स्टार्ट किया, दोनों में अभी डोर टू डोर सेल करते थे। फिर उन्होंने देखा कि यार हम अकेले करते हैं कम, मतलब लोगों को लेते हैं साथ। 1953 में स्टार्ट हुआ, 1957 तक उन दोनों के अंदर कई हज़ार लोगों को कमीशन बेस्ड पे, इसको आप फ्रेंचाइजी सिस्टम या एजेंसी बोलते ना, ये सिस्टम तभी डेवलप हुआ था।
उनको लिया, उनको बोला हम आपको कमीशन देंगे, हम आपको कमीशन देंगे, उनको बोला तुम नीचे मिश्रों को कमीशन दो, उस हिसाब से हम बड़ा टर्न ओवर करके और वो फिर 1 या 2% टर्न ओवर, उन्होंने इतना काम किया जो अपने बच्चे को वहाँ से 4 साल की मेहनत में अमेरिकन गवर्नमेंट से ले पाए। आज हिंदुस्तान में यही होने लगा धीरे धीरे। बच्चा जब तक जवान होता है उसके ऊपर उसका एजुकेशन लोन और घर के लोन सब कुछ होते हैं, पापा के लोन्स देते हैं, फैमिली में उतना घर नहीं होता, उससे जल्द से बैंक से लोन होता है, जिसका प्रॉपर्टी का तो फिर भी उसका रेट बढ़ रहा होता है, खाली जमीन पड़ी हो पर घर बना दिया तो वहाँ भी असेट की वैल्यू कम हो जाती है। और जो कार आज हम लेके दिखावे के लिए घूम रहे हैं उस कार की तो हर साल जो है डिप्रेशन में होती है, वैल्यू कम ही होती है, और हम उसके अंजाम हुए हम ये काम कर रहे थे पेरिस के। इसलिए जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको सर्वाइवल में इश्यूज आते हैं और फिर कहते हैं कि हम दूसरा धंधा करें, सेकेंड ऑप्शन देते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन ये जो ऑप्शन है बिजनेस के जितने ऑप्शन है उनमें चाहिए क्या क्या होता है, रिस्क फैक्टर्स क्या है। अब सारे यहाँ बैठ कहते हैं जी हम बिजनेस करते हैं, कितने सर लोगों ने बिजनेस कर लेते हैं। अब आप लोग बिजनेस मैन तो आप ही बता दें कि ये आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको क्या क्या चाहिए होता है, आप कैसे कर पाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको काम करने से पहले जब किसी को बताते हो पहले ये जरूरी है जानना कि जिस आदमी को आप बता रहे हैं उससे आप डिफरेंट क्यों हो, उससे अलग आप क्या कर रहे हैं। मान लिया जाए आप बिजनेस करते हैं किस चीज़ का, फुटवेयर का, आपका फुटवेयर का बिजनेस है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब आपसे बेसिक बातें करता हूँ, वैसे फुटवेयर का बिजनेस आप कहाँ पे करते हैं, शॉप है कहाँ है, शोरूम है क्या है, शॉप है। मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रा चाहिए, क्या बिना शॉप के जूतिया बिजनेस हो सकता है। अब आपको शॉप चाहिए तो आप ही खुद की है या किराए पे, रेंट पे, कितना रेंट होगा, 65,000। वहाँ पे मार्केट कैसी है, मार्केट अभी है क्या कोविड में थी। दूसरा आप 20 दिन दुकान ही खोलेंगे क्या सेल होगी, आप होलीडे पे हैं कोई इनकम नहीं है। दूसरा आप इसमें बताइए इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया होगा ना, कितना किया होगा, 30 से 35 लाख रुपये। कितने एम्प्लॉयज हैं वैसे, काम करने वाले लोग भी होंगे, क्या आप अकेले कर सकते हैं, स्टाफ कितने लोग, 7 लोग। अब ऐसे मुझे ही बताइए आपकी इनकम छापा नहीं मारूंगा, आप अपने पास में जाइए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी अगर से एक बार ये आपकी नेट वर्थ है, बचत है, इसको सेविंग्स कह सकते हैं, आपके एक्सपेंसिस निकाल लीजिए। देखिए आप हर बिजनेस के हिसाब से आपकी कंपेरिजन कर सकते, प्रॉफिट कम ज़्यादा उसका है। आपको पर्सनल बिजनेस करने के जो लोग आज बच्चों के ना हाँ अपना बिजनेस कर लेंगे या कहते पापा की दुकान पे जाकर बिजनेस सीखे, आपके सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दूसरा वो प्रॉपर्टी खुद की या रेंट की है वो आप देखिए लाइबिलिटी है, पहले दिन से शुरू हो जाती है, खुद का खरीदिए तो पहले इन्वेस्टमेंट पहले करना पड़ता है। दूसरा मार्केट है कि नहीं है, अगर मान लिया जाए कहीं ऐसी जगह है वहाँ पर 4 दुकानें हैं और आगे आपने खोल ली तो हो सकता है कस्टमर तो उतना ही एरिया में, लाइब्रेरी जनसंख्या तो वही है, ज़्यादा ज़्यादा बढ़े घटेगी तो शॉप कम ज़्यादा होती रहेंगी। दूसरी बात इन्वेस्टमेंट 30 से 35 लाख रुपये, वैसे भी कॉमन सी बात आती है ऊपर स्टाफ 30-35 लाख का आपका इंफ्रा टोटली इन्वेस्टमेंट लगा दो, 30-35 लाख का एक रिस्क है, अगर वहाँ मार्केट कम ज़्यादा होगी तो मंदी का शिकार होते यार, अगर ये पैसा खुद का नहीं है बैंक का है तो ब्याज तो चलता रहेगा, EMI तो भरनी पड़ेगी आपको। उसके बाद इनकम जो है आप रखता 80 से 1 लाख रुपये, मतलब कि आप टर्न ओवर महीने में 30-35 लाख का भी करेंगे, इनकम क्या है वो भी कब है जब आप 24 घंटे आपके बिजनेस 24/7 अपने बिजनेस में फोकस होते हैं। वो कहा जाए आपके मैडम कहते 3 दिन बाहर जाना है,
आपका सीजनल टाइम में शादी हो गया, जब से होगी आप जा सकते हैं क्या? आप अपने मर्जी के मालिक है क्या? आदमी मतलब कि अपनी विश के हिसाब से लाइफ जी पाता है क्या? सेफ पे जो एम्प्लॉइज है उनके साथ है, मैं क्लास वन अफसर हूँ, मैं IAS हूँ, IPS हूँ। अगर चोरी डकैती ना करें लोग ईमानदारी से गवर्नमेंट की तनख्वाह या प्राइवेट सेक्टर में, जो कहते हैं आज के माँ बड़े मैं हमारे बैठ का इतना पैकेज रख जाएगा, पैकेज जितना बड़ा पैकेज उतना बड़ा बंधवा मजदूर। दूसरों के सपने पूरे करने के लिए उस बच्चे को अपनी लाइफ देनी पड़ती है। और दूसरा, आज जो यंग जनरेशन डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या जो बच्चे एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं उसका रीजन ऑफ बर्थ हो, और यही बिजनेस मैन आज सोसाइटी में हो रहा है। लोग चेहरे पे कितनी मुस्कान लिए हैं, इतने रात को वो पार्टियां कर लें, बट फैक्ट ये है उनको घिसना पड़ रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। आज सब कुछ ऑनलाइन आ गया है, पहले जूते लेने के लिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा शोरूम पे। अब क्या हो गया है, आज से 20 साल पहले जाओ लोकल जूता से बाटा लिबर्टी कुछ ही ब्रांड्स दे, आपको शोरूम से जाना पड़ता, तो साइड चेक करके पहन के आता। अब आप सो रही हैं 11 बजे, कोई शोरूम का टाइम नहीं है, हर जूते दुकान टाइम ना बैठ के फ्लिपकार्ट पुराना कार्ड धंधा कार्ड लग गया जूते मंगा लिए जी, सेल लगी हुई है हमारे, उसके इम्पैक्ट इस पे है जो यहाँ पे पैसा लगा के बैठे। सेम कपड़ों का पहले कपड़ों का बिजनेस बहुत कम लोगों में, लेडीज के सूट वगैरह भी मोहल्ले में 2-4 लेडीज होती थी जो बाकी लेडीज के आइटम कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक टिक्के मिलती सब कुछ लेके बैठते, और वो 20 सूट लेके आती थी, हाँ जी मैं सिटी गई हूँ या बाजार गई थी ये सूट रखे दे दी बैंक। आज कह रहा घर में माल भी नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग चलती है, वर्षा हो रहा नहीं, बढ़िया चलते ना मिस्टर मैडम, आपने करके दिखा। बहुत सारी लड़कियाँ हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बट हुआ क्या उसका इम्पैक्ट इस पे आया जो शोरूम के मालिक हैं कपड़ों के, जो करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ की दुकान या ऑफिस शोरूम खोल के बैठे हैं, 20-25 लाख मार्केट में पड़ा है और उधार पे पड़ा है, इधर से देना उधार पड़ा है, सारे रिस्क लेके काफी काम कर रहा है और उसके बावजूद आसमी मिल क्या रहा है। अगर भगवान ना करे कहीं एक्सीडेंट हो गया, वो आदमी आगे बंद हो जाती है, तो जितने बिजनेसमैन फैमिली है उनको सबको पता है कि रोड पर परिवार आ जाता है, मांगने वाला दरवाजे खड़ा होता है, देने वाला सब कहते हैं हमारा हिसाब हो गया, हम नहीं जानते। 90% केसेस में ही होता है, मीन जब तक आदमी जिंदा है और जब तक अपना 24 घंटे दे रहा है तब तक पैसा मिल रहा है। मीन्स ये वो हो गया जैसे एक डॉग होता है उसका बॉडी डाल दो उसको चूसता रहेगा जब तक चूसा रहा, और चूसाना बंद हो जाता काट मिल जाएगा सलाम लग जाएगा, यही ह्यूमन बींग का हो गया। आज के जमाने में इंसान का यहाँ अब मैं जिस बिजनेस की बात करूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अलग क्यों है उससे हम बात करते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग सोचते हैं बिजनेस जोड़ा जोड़ा ही करें, मेंबर बना दो मेंबर बना दो, मेंबर बनाने का स्कीम बिजनेस नहीं है। मैं उससे पहले आपको कुछ चीज़ें और क्लियर कर दूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए बिजनेस है क्या। जितने लोग जब आप बिजनेस जुड़ जाते हैं लोगों से बात करने जाते हैं उससे पहले हम तैयार होकर नहीं जाते। आज जैसे इनसे पूछा जूतों की दुकान में पहले सुबह इनको कभी दुकान आपने देखो जो जूते नॉलेज हो बिना नॉलेज के कोई चला सकते क्या? कोई कपड़े की दुकान बिना कपड़े नॉलेज के चला सकता है क्या? कोई भी चीज़ एक लेडी बिना अगर उसको रोटी बेलनी नहीं आती डाटा घूमना नहीं आता क्या रोटी बना सकती है? जब एक बेसिक काम जो हमारे रोज की नीड का है रोटी बनाने का या सब्जी बनाने का वो भी बिना सीखे अगर बनाने लगोगे, अब इन भाई साहब कहते बेचते जूते हैं इधर कहते किचन में खड़ा हो जाए बढ़िया मेरे को बिना कढ़ाई पनीर बना के दे, बना सकते क्या? बना सकते होंगे तो बीवी से सीखना पड़ेगा माँ से सीखना पड़ेगा, इट्स अ फैक्ट। पूरा पता चला जितनी मिर्ची डालो तो उठा के नमक डाल दिया और नमक डालो मिर्ची डाल दी या पनीर डालना उतना नमक डाल दिया नमक जितना पनीर डाल दिया तो हो सकता है इट्स पॉसिबल। यही नेटवर्क इंडस्ट्री का प्रॉब्लम साफ होता है, जो रिजल्ट चाहिए जिंदगी के हम वो मिक्सअप करते हैं, जहाँ पे नमक डालना होता है वहाँ उठा के पनीर डाल देते हैं और जहाँ पनीर डालना होता है वहाँ पे नमक डाल देते हैं और फिर कहते हैं जी रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं छोटी बातें कर रहा हूँ जो आपकी कॉमन बात है, किसी भी चीज में जिंदगी में कामयाबी और नाकामयाबी में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं इतना सकता, एक आदमी को डिसीजन लेना होता है। सफलता डिसीजन से आती है, सफलता काम करने से नहीं आती, सफलता बातें करने से नहीं आती है, सफलता काम करने से आती है, डिसीजन लेने से आती है, कहां से आएगा यहां से। हम इसको यूज नहीं करते, इसको यूज क्या करते हैं हमारे पास सबसे ज्यादा हम यहाँ पे ब्लॉकेज लगा देते हैं। बारिश आती है अगर आपको भीगने का मजा लेना है तो छाता लेके चलेंगे क्या? जब जिंदगी में कामयाब होना तो हम यहाँ ब्लॉकेज को प्रेम करते हैं,
ये जो भगवान ने दिया ना तो बहुत पवित्र चीज़ है, पर 99.999% लोग इसको डस्टबिन बनाते हैं। क्या डस्टबिन में आप अच्छी चीज़ डाल सकते हैं? और कोई अच्छा बर्तन है उसको डस्टबिन बनाते क्या? आपके घर में बहुत बढ़िया बर्तन लेके आए, कटलरी है आपकी या फिर आपके यहाँ डिनर सेट है क्रिस्टल का लेके आप 50,000 का 1-2 लाख का तीन बात से आप फॉर घूमने के, क्योंकि लोग घूमने फिरने के लिए आजकल हिंदुस्तान जगह छोड़ के मॉरिशस फीजी पता नहीं करना बंद कर देते हैं, तो अब थर्ड क्लास जगह इतनी हो गई है जो हिंदुस्तान के दार्जिलिंग गैंगटॉक को भूल गए हो। वहाँ जाते क्या उस कटलरी में आप घर में आएंगी तो उसको नॉर्मल सिंपल का उस पर डाइनिंग टेबल रखवाते हैं क्या? ये बच्चे कोई भी अब हर जगह यूज़ कर देंगे, उसको कहाँ यूज़ करते हैं? कोई स्पेशल गेस्ट आएगा, कोई नानी आएगी, कुछ और आएगा, रिश्तेदार आएगा, तो इधर आएंगे ना। कोई दामाद जी आ गए, कुमार है, फलाना कुमार है, वो आता है बुजार सजा पे। इसमें क्लास है बढ़िया बढ़िया, जो लोग पीने के शौकीन बहुत सारे घरों में पीते होंगे लोग, मुझे मालूम नहीं, पर हमने ग्लास जरूर देखे। एक ग्लास नॉर्मल रेगुलर होते हैं, बियर मग होता है, उसे बच्चा शेक भी पी लेता है, बीवी भी शेक पी लेती सुबह और शाम को पति उसमें बियर डाल के पी लेता है। और एक ऐसे वाइन ग्लास जो होते हैं जिससे एक ग्लास ही क्रॉस कई हज़ार में होती है, उसको सजा के रखते हैं लोग चौकेस में। नहीं नहीं, वो आप पार्टी वाले देखिए दिखावा करने के लिए या हमें टेंट ड्रम्स दिखाने हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं उसमें मजा आता है। क्या उसी ग्लास में डेली रेगुलर चाय डाल के पिए? वाई वी आर यूजिंग दिस पेन? जब इतना कीमती है इसे हम टें 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 फलाने ये बोला उसने बोला उसने ये बोला उसने बोला इधर स्लो बैठे आप दूसरे डिस्टेंस क्यों बैठे? आपकी जिंदगी की कामयाबी आपके हाथ में होती है तो आप एक प्रोसेस से क्यों पूछते हैं? मेरे फ्रेंड्स ने बोला है, क्या आपके फ्रेंड के पास लंबा भी नहीं है? क्या आपका वो फ्रेंड कामयाब है? नहीं, मम्मी पापा ने मना कर दिया, मेरे हस्बैंड का मैंने मना किया, अब हस्बैंड है साथी फिर बेचारा, पापा ने दुकान चला के दी थी कपड़े की और वहीं जाके कपड़े बैठ के दुकान बैठ गया, जूते की दुकान बैठ गया, या कोई भी होटल खोल के दे दिया बाप ने और वो 8वीं 10वीं पास नकलों से की है, हीरो के लिए 4 बार होना है, भाई के घूम घूम करके यहाँ देवंत नगर भावी नगर घूम के आ गया और फिर दुकान में जाके बैठा, फिर कहता मेरे को सब कुछ पता है। वॉट इज दिल अचीव? उसी खुद की अचीवमेंट किया, उसे खुद कौन सा एम्पायर खड़ा किया? फिर उसकी भाई घर होगी, आज ही मैंने एक्सपोज मैं किया है कि क्या काम जहाँ मैं किसी घर नहीं जाएगी उसी बोलेगी, क्या उस आदमी से पूछिए डू यू नो द पावर ऑफ दैट मिनिस्ट्री? क्या आपने एक्सप्लोर प्लान देखा है? क्या आपको ये मालूम है कि बिना पैसा लगाए लाखों रुपये में ना आ सकते हैं? कितने लोगों को लगता है लाखों रुपये सपना है एक्सप्लोर, सही बता कि लाखों आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, कितने लोगों को लगता है सपना है? आपको लगता है रिदिका जी ना, और आपको लगता है सपना है? मेरे को इस बिजनेस से कई लाख रुपये महीना और मैं जीरो से खा गया आपके सामने, हेमा जी को लाखों रुपये महीना आता है, लालवानी को आता है, ये सामने बैठी 70-80 हज़ार का चेक आया है हर महीने, दादा मैं 35 से 35 से 35 हज़ार रुपये लगा के इससे 24 नहीं लगाया, 30,000 रुपये स्टॉक पॉइंट लिया था और 70-80 हज़ार रुपये लगा के टैक्स पेड वाइट मनी पे जो ना इनके अकाउंट 70-80,000 दिखा सकता हूँ आपको, वो इनके घर में आया रायपुर में ही, और उस टाइम काम करके 2 साल हुए थे, एक्चुअली देखा 1.5 साल हुआ। आप यहाँ पे 10 लाख रुपये महीना भी फंसते हैं, आप 1 करोड़ का महीना भी कमा सकते हैं, अब आएगा कहाँ से? आप इस कितने लोगों का प्लान आता है कन्वेंशन आप कितने लोगों का प्लान आता है प्रैक्टिकली? 1, 2, 3, 4, 5 इतनी का बड़ा आपको प्लान पता है इसका पता? मैडम एक बात कही, जब आपको कैलकुलेशन नहीं पता है तो आपको ये कैसे पता चलेगा 1 लाख रुपये आ सकते हैं? दिस इज मैटर ऑफ कैलकुलेशन, बिजनेस कैलकुलेशन। आपको अपने ब्यूटी पार्लर का पता है, आप सामान लेने दिल्ली जाती हैं, आप सामान लेने अहमदाबाद जाती हैं, मुझे तो मालूम ठीक है, आप वहाँ से कैलकुलेशन करके आती है इसमें इतने पैसे बचे किसमें से बचे, लिपस्टिक में इतने हैं, आपके फेस वॉश में इतने, फेशियल में इतने, आप जब आईब्रोज लेकर खाने से लेकर फेशियल हर चीज़ के पैसे आप सेट करके रखती हैं तो आपको ये मालूम होता है कितना परसेंट कमीशन है सर्टन। उसी ने मैडम आपने कितने साल दिए? 7-8 साल याद रखी थे मैडम, वहां से लाखों रुपये महीना कमा रही हैं आप? नहीं, कितना कमा पा रही? 20-25 पॉकेट मनी अच्छा है, पर लड़ा एक हो रहा है आजकल करोड़ बाद बहुत अच्छे सूट आते हैं,
साले चौक में बहुत बढ़िया सूट मिल रहे हैं और एक ही सूट डेढ़ दो दो लाख का मिला और वो भी ऐसे नॉर्मल सिंपल देखने बड़े सिंपल लगते हो पटियाला सलवार नॉर्मल सूट पहनो और खड़े होकर चुनी उन्नी डाले चलो डेढ़ दो लाख का अगर एक लेडी को हर महीने एक सूट भी खरीदना हो तो मेरे ख्याल से डेढ़ दो लाख इनकम तो करके खाली सूट के लिए चलो। जूतियाँ पहनने का शौक है बहुत सारे लोगों को, जूती 300 रुपये की भी आती है और जूती जो है ना बढ़िया आप अमृतसर ग्राम जाओ या चंडीगढ़ में या ये मेरे होम टाउन में होती है आप मेरे जाओ जूती 25,000 की आती है और देखो बड़ी सॉबर सिंपल होती है माइंड सेट ऑल यू आर कैलकुलेटिंग योर लाइफ। सारा खेल जो है ना ये जो करोड़ों की बात कर रहा हूँ मैं आपको कोई गुमराह नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में 25 आदमी 1 करोड़ से ऊपर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कमा रहे हैं। अब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बला क्या है, अरे छोड़ना कंपनी ना मेरे वहाँ वो ज्वाइन हुआ तो किसी आदमी से अगर आप बात करने जाते हैं तो पहले तो आप कहते हैं डायरेक्ट कंपनी कर रही हूँ मैं कंपनी में ज्वाइन हूँ कंपनी में ज्वाइन हूँ ये बात करते ना। दूसरा कैलकुलेशंस इनके बारे में हमें मालूम होता है क्या नहीं, और ये जब हमें मालूम नहीं है आप जूते का बिजनेस करते हैं आगरा से या कानपुर से या कहीं से जूता लाकर आपको पहले पता होता है कि कौन सा लेदर मेरे पास इटालियन है नॉर्मल लेदर जीनियन है या स्पोर्ट्स का है या भादरगढ़ से आया है या क्लॉथ का है या कोई भी मालूम होता है ना, उसके आपको रेट्स मालूम होते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन मालूम होता है आपके एक्सपेंसिस मालूम होते हैं तब जाके आप एक मार्जिन सेट करते हैं। इतना तो आना चाहिए एक्स्ट्रा आ गया तो अलग बात है, यही आपकी ब्यूटिशियन के काम में यही कपड़े के काम में यही रेस्टोरेंट के काम में हर जगह आपको कैलकुलेशन पता होती है। इवन घर में लेडी आटे की रोटी बनाती है चार फैमिली मेंबर के लिए कितना आटा लगेगा दो के लिए कितना लगेगा वो आटा उतना ही घूमती है जितनी रोटियां बनी। मैडम यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपको 1,000 रुपये से लाख और करोड़ तक आ सकते तो फिर यह कैलकुलेशन क्यों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको कैलकुलेशन प्लान का पता ही नहीं। तीसरा जब आप पड़ोसी से बात करें तमीज और तहजीब की बात करें बच्चे को अंकल से ऐसे बात करनी चाहिए हस्बैंड को वाइफ से ऐसे बात करनी चाहिए बहू को सर सास से ऐसे बात करें न्याणी आगे न्याणी को सिर्फ ऐसे बना कर रखना है उसे लैंडम झेल रहे हैं वो सब ऐसे चलाता है ना भाभी आगे उसके ऐसे परेशान करना है चुगली ऐसे हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है तो कामयाब सिस्टम क्यों नहीं भाई और फोरिंग है। जब जूते की दुकान पे आपको पता है कस्टमर से क्या बात करनी है भाई साहब कितने नंबर चाहिए कौन सा चाहिए कपड़े वाले मैडम क्या चाहिए किसके लिए चाहिए बेटी के लिए चाहिए बेटी के लिए क्या चाहिए एवरीथिंग वी आस्क इसका मतलब एजुकेशन है उसको। आपके पास क्लाइंट आता है उस दिन आप दाढ़ी कराएंगे आप फेशियल कराएंगे हेयर डाई कराएंगे क्या कराएंगे हेयर कटिंग कराएंगे जब वो सब हम पूछते हैं तो भाई साहब बड़ा इंश्योरेंस का होता हुआ भाई साहब बताते हो ना प्लान पूरा उठा के काम जाओ क्या बिना प्लान आप वो पैसा लेके आज ही मेरे 50,000 रुपया लगा दो तो होता है क्या सर शेयर मार्केट की बात करते हैं स्टॉक मार्केट क्या आप ऐसे ही पैसा लगा देते क्या नहीं ऐसे ही पैसे आप हर चीज के बारे में जानते ना और जो आदमी आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं आपको एक पर्टिकुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बात होती है ना जब वो चीजें होती हैं तो यहाँ कंपनी कैलकुलेशंस अरे देखेंगे जिंदगी में क्या आप ऐसा सोच कल सुबह रोटी बनाएंगे नहीं बनाएंगे देखें ऐसा होता है कि बच्चे का स्कूल जाना होता है अरे चुनो मुन्नू कल उठना कि नहीं उठना है देखेंगे कल स्कूल जाना कि होता है यही बात है भाई शोरूम पे कल जाना है नहीं जाना देखेंगे क्या जाना है कमर्स बिजनेस आपका बिजनेस और ड्यूटी है और तो सुबह उठना उसका नाश्ता बनाना टिफिन बनाना सारे काम में आपकी ड्यूटी है उसकी हर चीज कंप्लीट प्लानिंग करते हैं। दूसरा जब बच्चे होते हैं वो बच्चा पैदा होते ही माँ बाप जाते उसकी आगे फ्यूचर स्कोर करें बच्चों का फ्यूचर स्कोर हो जाए ना प्लानिंग करते हैं आप अपनी प्लानिंग करते हैं ना इस बिजनेस में प्लानिंग